नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। आपके साथ मैं हूं प्रीति। हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम बात करेंगे मोदी की विदेश यात्राओं पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल में 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। मोदी की इन यात्राओं को किस तरह से देखा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी के जो विदेशी दौरे हैं, तूफानी विदेशी दौरे हैं और इनको लेकर लगातार मीडिया में खबरें आती रही हैं। अभी वो 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पड़ाव अमेरिका है, जहां वो पहुंच भी चुके हैं। वो पिछले 2 साल के अपने कार्यकाल में 4थी बार अमेरिका पहुंचे। निश्चित तौर पर ये सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से उनकी जो यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण है और ये संकेत भी देता है किस तरीके से वो अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बहुत साफ है, क्योंकि चीन के साथ लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी वह सहयोग, वो पारस्परिक सौहार्द बन नहीं पा रहा है, जिसकी की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और उनके अहमदाबाद में अपने पैतृक गांव में झूले पर बैठे हुए फोटो हो, चाहे चीन के राष्ट्रपति के साथ या फिर उनकी खुद की चीन की यात्रा हो, जहाँ पर वो बड़े आत्मीयतापूर्वक मिले, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर संबंध अभी भी हम जानते हैं कि उतने मजबूत नहीं हो पाए। दूसरी तरफ अमेरिका से बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर कुछ ठंडापन संबंधों में आ गया था, चाहे परमाणु करार हो, चाहे पर्यावरण बदलाव का मुद्दा हो, चाहे एनएसजी की सदस्यता का मामला हो। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हो रही है और बातों को जहां पर वो छोड़ रहे हैं उससे आगे बढ़ाने की लगातार इन यात्राओं के जरिए कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में उन्होंने खास तौर पर स्विट्जरलैंड और मेक्सिको के पड़ाव इसलिए जोड़े हैं क्योंकि इन दोनों ही देशों ने एनएसजी की सदस्यता को लेकर आपत्ति ली थी। लगातार मोदी का अमेरिका जाना यही दर्शाता है कि जो अमेरिका से भारत के बीच की दूरी थी और ठंडापन था, उसको दूर करके लगातार इन 4-5 मसलों पर बातचीत को आगे बढ़ाना और निर्णय लेना। मोदी की अफगानिस्तान, कतर और स्विट्जरलैंड की यात्रा के बाद क्या कुछ उपलब्धियां हमारी झोली में नजर आती हैं? हर यात्रा का एक अपना खास मकसद रहा और उस मकसद को अगर केवल 1-2 बिंदुओं के आधार पर देखें तो वो सफलता भी मिलती हुई नजर आई है। अफगानिस्तान बहुत बड़ा सामरिक महत्व का केंद्र है और पाकिस्तान और भारत के बीच जो संबंध है खास तौर पर उसको देखते हुए, अफगानिस्तान में जो युद्ध का लंबा सिलसिला चला उसके बाद जो भारत वहां पर निर्माण कार्यों में मदद कर रहा है ताकि भारत की भी सामरिक उपस्थिति भी बने, अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बने रहे और अफगानिस्तान के विकास में योगदान दें, तो खास तौर पर मैत्री सेतु, जिसको कहा गया, जिसे पहले सलमा बांध कहा जा रहा था, उसके उद्घाटन के लिए वहां गए थे और निश्चित तौर पर संदेश देने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ भारत हर पल खड़ा है और उसे दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कतर निश्चित तौर पर दोहा कतर में जब वो गए हैं तो वो भी एक और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। वहां पर उन्होंने जिस तरीके से वहां के रहने वाले भारतीयों के साथ, जो कि बहुत सारे अलग अलग श्रेणियों में काम करते हैं, अधिकतर लोग मजदूर हैं, उनके साथ बैठकर एक बड़े हॉल में बैठकर वही खाना खाया जो उन सभी लोगों को दिया गया, तो उन्होंने वहां के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जो कोशिश वो लगातार अपनी हर यात्रा में कर रहे हैं कि वहां के जो भारतवंशी हैं, बाहर रहने वाले अनिवासी भारतीयों और भारतवंशियों के बीच जिस तरह की छवि बनाने की कोशिश लगातार, यही उन्होंने अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान भी कोशिश की थी, अभी ईरान गए थे तब भी उन्होंने उसी तरह का संदेश देने की कोशिश की और अभी कतर में भी उन्होंने वहां पर बैठकर जब भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन किया, वहां पर जिस तरह के संदेश दिए, भारत के विकास की गाथा बताने की कोशिश की अपने भाषण में, तो महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव उनका जो 5 देशों की यात्रा में रहा वो स्विट्जरलैंड रहा और स्विट्जरलैंड में 2 सबसे बड़े मुद्दे उनके सामने थे। पहला था काला धन, क्योंकि काले धन को लेकर लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है। चुनावी रैलियों में जो उन्होंने वादा किया था कि काले धन को वापस लाएंगे और कांग्रेस पर लगातार प्रहार किए थे कि कांग्रेस उस काले धन को लाने में नाकामयाब रही और कहीं ना कहीं इस काले धन के घोटाले में, इसको जमा करने में कांग्रेस सरकार का हाथ भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते रहे हैं, तो उन्होंने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब उन्होंने कहा है कि इस पर हम परस्पर सहयोग की दिशा में आगे बढ़े हैं और काला धन वापस लाने और काला धन रखने वाले लोगों के नाम उजागर करने में स्विट्जरलैंड भारत की मदद करेगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बहुत बड़ी कामयाबी जो भारत को मिली है वो स्विट्जरलैंड ने एनएसजी के भारत की सदस्यता का समर्थन करने की बात कही, ये निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि स्विट्जरलैंड, चीन और मेक्सिको, ये 3 बड़े अड़ंगे हैं एनएसजी की सदस्यता को लेकर, तो स्विट्जरलैंड की यात्रा का जो पड़ाव रहा निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि। इसके अलावा तो उन्होंने व्यापार की दृष्टि से स्विट्जरलैंड बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहां के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ बैठक की, बहुत महत्वपूर्ण रहा। अमेरिका की यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने कल्पना चावला के स्मृति में वहां पर जाकर पुष्प अर्पित किए और सुनीता विलियम्स से बातचीत की, बड़ी बात है क्योंकि कल्पना चावला का नाम निश्चित तौर पर अंतरिक्ष और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उनकी जो
पूरा मिशन था, वापसी में वो सफलतापूर्वक वापस नहीं आ पाई और इसीलिए उनको श्रद्धांजलि देकर एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की। लेकिन उससे बड़ी बात तब है जब बराक ओबामा के साथ वो व्हाइट हाउस में भोजन करेंगे और वहां के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका के साथ दो तीन मसलों पर बड़ी दिक्कतें हैं। एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन तो जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए तब भी उन्होंने कह दिया था, लेकिन एक तो पर्यावरण सुधार के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका को अपनी बातचीत आगे बढ़ानी है। दूसरा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा अड़ंगा है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ना चाहता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत दिलचस्पी है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 100 गीगावाट या 1000 गीगावाट के छोटे छोटे प्लांट लगाकर 1000 गीगावाट तक की ऊर्जा पैदा की जाए और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो भारत का पूरा जो सौर ऊर्जा का कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर जो सामग्री बनाई जा रही है, निर्माण की जा रही है, उसको लेकर अमेरिका ने एक आपत्ति ली थी और उसके लिए वो WTO में चला गया था और WTO ने अमेरिका की आपत्ति को स्वीकार भी कर लिया था। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। दूसरी बड़ी बात थी कि जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है उससे परमाणु संयंत्रों की कुछ खरीदी को लेकर बातचीत आगे बढ़नी है और आंध्र प्रदेश में इन परमाणु संयंत्रों को बिजली निर्माण के लिए लगाया जाना है और भारत भी अपनी परमाणु से जो बिजली बनती है उसको 5% से 25% तक ले जाना चाहता है। तो मुझे लगता है ये वो अहम मसले हैं जिनको लेकर बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में होगी। अमेरिका ने भारत को लगभग 660 करोड़ रुपए की मूर्तियां भी वापस लौटा दी हैं, इसे किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, ये सद्भावना वाली बात है जो मैत्री का संकेत है और जिसको एक गुड जेस्चर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो एक अच्छा भाव दिखाने की कोशिश, अमेरिका ने दोस्ताना व्यवहार दिखाने की कोशिश की। ये वो पुरानी मूर्तियां और शिल्प हैं जो भारत से चोरी होकर किसी दूसरे रास्ते से अमेरिका पहुंच गए थे और वहां जब्त हुए हैं। आमतौर पर जब्त हुई सामग्री जिस देश में जब्त होती है वो रख लेता है, निर्भर करता है आपके संबंध कैसे हैं। तो जैसे चौल वंश के समय के गणेश जी वापस किए हैं उसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां और अन्य शिल्प भारत को जो दुर्लभ हैं, प्राचीन महत्व के हैं, ऐतिहासिक महत्व के हैं और इसके लिए दिल से आभार भी प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे इतिहास से हमको जोड़ने वाले प्रतीक हैं, चिन्ह हैं और इनको वापस पाकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी खुश हुए हैं और यही भाव भी अमेरिका का रहा है कि उन्हें प्रसन्न किया जाए। भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता का क्या महत्व है, आखिर क्यों इसके लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भारत के लिए एनएसजी का महत्व बहुत ज्यादा है। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मतलब परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक 48 देशों का भी फिलहाल ये समूह है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत 1974 में तब हुई थी जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत के परमाणु परीक्षण से अचंभित होकर ही जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे वो एक मंच पर आए थे, एक मोर्चे पर आए थे। 74 में बात शुरू हुई, 75 में उनकी पहली औपचारिक बैठक हुई थी और उसके बाद ही से ये एनएसजी के रूप में पूरी सदस्यता रही। सक्रिय उनको इसको लंदन क्लब भी कहा गया क्योंकि उनकी बहुत सारी बैठकें लंदन में हुई। एनएसजी का महत्व यह है कि ये जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है यही मिलकर तय करता है कि शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैसे हो। भारत ने लगातार कहा है कि उसका परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो शांति की दिशा में अग्रसर है और हमने कभी भी परमाणु का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन भारत को अभी भी एनएसजी की सदस्यता नहीं मिली है। जो न्यूक्लियर दिलचस्प बात यही है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप में उपजा था, वो धीरे धीरे उसकी सदस्यता बढ़ती रही, 5-7 फिर 16 फिर अब जाकर 48 देश उसके सदस्य हैं और जो इसके सदस्य हैं वो परमाणु सूचनाओं का, परमाणु जानकारियों का, परमाणु तकनीक का आपस में हस्तांतरण आदान प्रदान खुलकर कर सकते हैं। खासतौर पर जो आधुनिक मिसाइलें और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो तकनीक का आदान प्रदान होना है उसके दिशा में एनएसजी का सदस्य होना बहुत मायने रखता है। भारत लगातार प्रयत्न करता रहा है और अभी मई में भारत ने इसके लिए औपचारिक आवेदन भी दिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी आवेदन के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से एनएसजी की सदस्यता का आवेदन दिया है। अब दिक्कत यहां पर आती है कि जब भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो ये लोगों को मालूम है, विश्व मंच पर यह तय है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा का या परमाणु शक्ति का कभी भी गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं किया। परमाणु परीक्षण किए भी हैं तो वो इसलिए ये बताने के लिए कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, हम सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हम इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई, पाकिस्तान पर लगातार ये दाग है, इल्जाम है कि उसने परमाणु तकनीक की न केवल चोरी की है बल्कि दूसरों से चुरा कर भी परमाणु तकनीक अपनाई है। तो उस पर उसके दामन पर लगे हुए दाग दोनों को इस मामले में बराबरी पर नहीं लगती, लेकिन चीन इन दोनों के बीच की एक ऐसी कड़ी है। चीन जब भी भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो अड़ंगा लगाता है, कहता है कि अगर भारत को सदस्य बनाए तो पाकिस्तान को भी बनाना चाहिए और गाड़ी वहां पर आकर रुक जाती है क्योंकि विश्व मंच जो है पाकिस्तान को लेकर निश्चित ही मानता है कि उसको एनएसजी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता उसकी हरकतों की वजह से। तो ये विश्व कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। भारत निश्चित तौर पर इसका सदस्य बनना चाहता है क्योंकि वो सारे लाभ वो लेना चाहता है जो एनएसजी का सदस्य होने के बाद उसे मिल सकते हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता
राष्ट्रों की एक बड़ी शर्त ये भी रही है कि जो भी इसका सदस्य बने वो एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करे। भारत ने इस संधि पर अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं क्योंकि उसकी कुछ शर्तों से भारत जो है वो अभी भी सहमति नहीं रखता है। लेकिन एनएसजी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति संपन्न राष्ट्रों का समूह है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से रणनीतिक और कूटनीतिक चालें चली हैं और भारत के तमाम मंत्रालयों ने इस दिशा में काम किया है, ये एक बड़ी सफलता है कि हमने स्विट्जरलैंड को अपने पक्ष में कर लिया है। अगर मेक्सिको को, जो कि उनका आखिरी पड़ाव भी है इन पांच देशों की यात्रा का, उसको भी अपने समर्थन में हम ले आते हैं और किसी तरीके से अमेरिका पर दबाव डालते हैं कि चीन इस बार अड़ंगा न लगाए, तो ये भारत के लिए निश्चित तौर पर एनएसजी के सदस्य बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। शुक्रिया जयदीप जी बातचीत के लिए। वेबवार्ता में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।